नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार विजयदशमी के उपलक्ष्य में शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया विजयदशमी का जुलूस, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर सवार होकर निकले। साथ ही में दशानन रावण भी अपने रथ पर सवार होकर जुलूस में निकले। तो पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ ये जुलूस दशहरा मैदान में पहुंचा, जहां पर राम रावण युद्ध का मंचन किया गया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने रावण वध किया। इसके साथ ही दशहरे में रावण जलाया गया। इस बार दशहरा मैदान में 51 फीट के रावण बनाया गया था, जिसका दहन किया गया, जिसे देखने के लिए शहर ही नहीं अपितु आसपास के गांव से भी कई लोग पहुंचे। किसी भी तरह के कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। स्थित तहसील मैदान में कल शाम रावण के पुतले का दहन कर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया गया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। रावण दहन से पूर्व पत्रकारों के द्वारा जहां की समितियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के समेत पौराणिक पात्रों की वेशभूषा में सज कर पहुंचे। इस दौरान पूरन सिंह ने इस पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताते हुए सभी से अहंकार, असत्य और बुराइयों को छोड़कर सत्य की राह पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान अतिथियों ने पूजा अर्चना भी किया। इसी के साथ श्री राम के आदो रावण का दहन किया गया। दूध कर जलते रावण को देखने के लिए हजारों की संख्या में जनता उमड़ी। इसे देखते हुए इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा, जिन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया और पुतला दहन स्थल से लोगों को उससे दूर रखा। जैसे ही रावण के पुतले का दहन शुरू हुआ, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने जय श्री राम के जयघोष के साथ क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। करते हुए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी सेवा है बड़ी सराहनीय है, नगर का बड़ा विस्तृत कार्य उनके द्वारा, बड़ी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनसे निभिए, आप सदैव तत्पर रहते हैं। जनसेवा इनका उद्देश्य है। रथ लिस्ट
के जागरूक युवाओं ने इस बार शहर में स्मैक की त्रासदी झेल रहे और इसमें पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए जलाया स्मैक का रावण। इस रावण को जलाए जाने के पीछे शहर को स्मैक से मुक्ति दिलाना का मकसद था। आयोजकों ने स्थानीय हनुमान चौराहे पर स्मैक रूपी रावण का दहन किया। इसके साथ ही यह संदेश भी दिया कि स्मैक की लत से शहर के युवाओं को दूर रहना चाहिए। जो भी इस गंदे कारोबार का हिस्सा है उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप देना चाहिए। पचास मोबाइल इकट्ठे हो जाएगा। नशे के खिलाफ एक अभियान चलाने की शुरुआत की है। आज बुराई पर भलाई की जीत का एक महान दिन है। इसमें के रूप में हम सब ने युवाओं ने मिलकर यहाँ रावण का दहन किया है। हमारी गुना शहर की पीढ़ी न केवल बल्कि जिले की पीढ़ी इसमें की नशे में ग्रप्त आकर अपने जीवन को अपने भविष्य को पूरी तरह खराब कर रहे हैं। उनको इस नशे से बचाने के लिए उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए गुना में स्मैक सेलिंग पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पर्दे के पीछे स्मैक के नशे की सेलिंग कर रहे हैं युवा पीढ़ी की जड़ें खराब कर रहे हैं। हमारा जागरूक होने के नाते सभी युवाओं का ये संदेश है कि इस नशे के विरोध में हम एक अभियान चलाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी और उनका भविष्य सुदृढ़ और अच्छा हो सके। दशहरे की इसी कड़ी में स्थानीय शास्त्री पार्क पर भी रावण दहन किया गया। शास्त्री पार्क में विगत कई दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वहीं कल शाम राम रावण युद्ध के साथ ही रावण दहन किया गया। इसके साथ ही यहां पर विभीषण का राजतिलक भी हुआ। दशहरे के उपलक्ष में बूढ़े बालाजी से बाबा नाहरदेव का अखाड़ा भी निकाला गया, जिसमें युवाओं ने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। इस जुलूस के लिए विशेष रूप से युवाओं ने भगवा रंग के कुर्ते बनवाए थे। साथ ही अपने आप को भगवा रंग में लपेटे कर युवाओं ने विशेष रूप से अखाड़ा निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। फैक्ट्री में लगाई गई नवदुर्गा झांकी के विसर्जन के समय युवक की डूबने से हुई मौत। बता दें कि पगारा फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा
नवदुर्गा की झांकी की स्थापना की गई थी, जिसके विसर्जन के लिए सिंध नदी में ले जाया गया। वहीं विसर्जन के समय सुरेंद्र नामक युवक नदी में गिर गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उसे निकाला गया। लेकिन जब तक युवक को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है। चोरी कर तारीख को विसर्जन करने गए थे ना, विजयदशमी पे मूर्ति विसर्जन करने गए थे, उसी में वो डूब गए साथ में। तो ये कहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे? सिंध नदी। कहाँ से गए थे? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में उसी में झांकी लगाई थी। हाँ। नानीपुरा में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर से उसकी भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। नेपालपुर पे हुआ है, बिल्कुल रोड पे ही हो। कैसे हुआ है? लड़का इधर से जा रहा था, उधर से तीन ट्रैक्टर आ रहे थे सोयाबीन के भरे मंडी के लिए। फिर तो अगले वाले ट्रैक्टर से थोड़ा ये टच हो गया उसका, फिर भी सामने वाले साइड नहीं जा रहा, उसने गाड़ी उठा घूरे पर चढ़ा दी। घूरे पर चढ़ के नहीं, गाड़ी पीछे खिसल गई, फिर वो पीछे वाले ने चढ़ा दिया पहिया, गिर गया नीचे तो माथे में पहिया चढ़ा दिया। क्या नाम था भैया? हरिओ। ट्रैक्टर वाला पकड़ा हुआ है? हो गया थाने में। सिंध नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए गए 35 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। बताया जा रहा है कि बजरंगगढ़ में झांकी लगी हुई थी, जिसके लिए मूर्ति विसर्जन के लिए सभी सिंध नदी में गए थे, वहीं पर पप्पू की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शिकायत दर्ज कर ली है, साथ ही युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। कल शाम की घटना है, बजरंगगढ़ का रहने वाला है पप्पू कमल, जिनका नाम है रामकरण, रहता है चाल हुई, जो मूर्ति चढ़ाने गया था चुंबित नदी में, उनके साथ उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। आज का पीएम हम यहाँ करा रहे हैं, रात को उसकी रिपोर्ट लिख ली गई है, संभवतः उसकी पानी में डूबने से ही हुई है। एकलव्य छात्रावास के सामने की सड़क के हादसे में वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध बमोरी का रहने वाला था और साइकिल से हनुमान टेकरी जा रहा था, वहीं पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। इसके बाद काफी समय तक उसका शव रास्ते में ही पड़ा रहा, वहीं जब गाँव वालों ने देखा तब सभी लोग एकत्रित हुए और पुलिस को फोन लगाया, वहीं पर चक्का जाम भी लोगों ने किया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर जाम को खुलवाया। वृद्ध के शव को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्गा विसर्जन में बच्चों ने मापा भुजाओं का बल। ग्राम सनौतिया में बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा रानी को विसर्जन से पहले पूर्ण गणों के साथ विदाई दी गई, साथ ही प्रार्थना की गई कि हे माँ अन्नपूर्णा सदैव हमारे भंडार भरे रखना और गांव को शक्ति प्रदान करना। कार्यक्रम में बच्चों एवं युवाओं ने नाल में अपना बल आजमाया,
नाल 52 किलो की थी, जिसको दीपक, संजू, विवेक, जितेंद्र, मिथुन, श्याम सुंदर ने उठाया। साथ ही बच्चों को योग व्यायाम से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजी आना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।